बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के निष्कासित मंत्री कपिल मिश्रा का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। आज अनशन में कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा भी पहुंची। बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वो अपने बेटे को बीजेपी में शामिल करवाने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। हालांकि कपिल मिश्रा का कहना है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अनशन स्थल पर पहुंचकर अनुपमा मिश्रा ने केजरीवाल के नाम खुला खत पढ़ा। भावुक अंदाज में चिट्ठी पढ़ते हुए मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा सिर्फ सत्य का एजेंट है और उन्हें उस पर गर्व है। मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को भगवान से डरना चाहिए। चिट्ठी में अनुपमा मिश्रा ने कहा, याद है जब तुम मेरे घर आए थे कि कपिल को पार्टी में लाना चाहता हूं, चुनाव लड़वाना है। कपिल मान नहीं रहा, वो केवल आंदोलन करना चाहता था। तब तुम आए थे मेरे पास कि कपिल की जरूरत है। ये पहला और आखिरी पत्र लिख रही हूँ तुम्हें। मेरा बेटा तुम्हारे से सवाल पूछेगा और तुम सवालों से बचोगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। अरविंद, तुमने कपिल के साथ काम तो किया पर शायद उसे पहचाना नहीं। वह बहुत जिद्दी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। आशीर्वाद और स्नेह तुम्हें, अन्नपूर्णा मिश्रा।